नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का है और राजेश खन्ना को दरअसल एक फिल्म को न करने का मलाल ताउम रहा। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको उसी किस्से से रूबरू कराएंगे। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार की उपाधि राजेश खन्ना को दी गई। उनका चार्म, उनका अभिनय, सब कुछ लोगों का दिल जीत गया। राजेश खन्ना अपने दौर में जो फेम उन्होंने हासिल किया, जिसका इससे पहले ना तो किसी स्टार ने अनुभव किया और ना उनके बाद, उन्होंने कभी भी खुद को एक ऐसे हीरो के रूप में पेश नहीं किया जो एक दर्जन लोगों को आसानी से हरा सकता था। उन्होंने कभी भी दबाव में झुकना नहीं सीखा। अगर उन्हें कोई रोल पसंद आता तो वो खुलकर उसे जीते थे, लेकिन अगर उन्हें कोई रोल पसंद नहीं आता तो वो उस फिल्म को छोड़ने से भी परहेज नहीं करते थे। हालांकि राजेश खन्ना को अपनी जिंदगी में एक फिल्म न करने का मलाल जरूर रहा। ये कौन सी फिल्म थी और उन्हें इसे न करने का मलाल क्यों था, आज हम आपको इस पॉडकास्ट में सुना रहे हैं। अनु कपूर ने राजेश खन्ना से जुड़ा एक किस्सा एक बार अपने रेडियो शो सुहाना सफर में साझा किया था। अनु कपूर ने बताया था कि मशहूर निर्माता और निर्देशक शक्ति सामंत एक फिल्म बना रहे थे अमानुष, जिसका निर्माण बांग्ला और हिंदी दोनों भाषा में होना था। उस समय एक्टर उत्तम कुमार का नाम बहुत मशहूर था, इसलिए बंगाली वर्जन के लिए शक्ति सामंत ने उत्तम कुमार को पहले ही साइन कर लिया था। अब शक्ति सामंत को हिंदी वर्जन के लिए मुख्य अभिनेता की तलाश थी। किसी तरह इस फिल्म की जानकारी राजेश खन्ना को लगी। राजेश खन्ना ने शक्ति सामंत से संपर्क किया और कहानी सुनते ही उन्होंने हाँ कर दिया कि मैं ये फिल्म करूंगा। अब अमानुष के हिंदी वर्जन को अपना हीरो राजेश खन्ना के रूप में मिल चुका था। शक्ति सामंत फिल्म को लेकर तैयारियों में जुट गए और उस समय राजेश खन्ना बहुत बड़े सुपरस्टार थे। उनकी डेट्स मिलना निर्देशक और निर्माताओं दोनों के लिए बहुत मुश्किल थी। राजेश खन्ना को अमानुष का सब्जेक्ट काफ़ी पसंद आया था, वो ये फिल्म करना भी चाहते थे, लेकिन उनके आगे समस्या ये थी कि डेट्स नहीं थी। राजेश खन्ना ने शक्ति सामंत से कहा कि फिल्म की डेट्स को थोड़ा यानी कुछ महीने के लिए आगे बढ़ा दो, क्योंकि अभी डेट्स की बहुत समस्या है। शक्ति सामंत इस फिल्म के निर्देशक के साथ साथ निर्माता भी थे। उन्हें किसी भी सूरत में इस फिल्म का काम जल्द से जल्द खत्म करना था। राजेश खन्ना द्वारा कही गई शूटिंग की तारीखों को आगे बढ़ाने वाली बात से शक्ति सामंत दुविधा में थे। एक तरफ वो राजेश खन्ना को अपनी फिल्म में लेना चाहते थे तो दूसरी तरफ उनके मन में ये चल रहा था कि राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार के साथ डेट्स की समस्या ज़्यादा रहेगी। कुछ दिनों तक तो शक्ति सामंत ने इस मसले पर खूब विचार किया, लेकिन बाद में वो सीधे राजेश खन्ना के पास पहुँचे। उन्होंने राजेश खन्ना के साथ अपनी समस्या साझा की। शक्ति सामंत ने राजेश खन्ना से सीधे कह दिया कि मेरे पास समय की कमी है, इसलिए न चाहते हुए भी ये फिल्म मैं आपके साथ कर नहीं पाऊंगा। राजेश खन्ना ने शक्ति सामंत की पूरी परेशानी को सुनी और उनकी बातों को समझा। इसके बाद अमानुष के हिंदी वर्जन के लिए भी उत्तम कुमार को साइन किया गया। इसके बाद ये फिल्म टाइम पर बनकर रिलीज हुई और दर्शकों को काफ़ी पसंद आई। भले ही राजेश खन्ना ने हंसते हुए शक्ति सामंत के कहने पर इस फिल्म से अपने कदम पीछे खींच लिए थे, लेकिन इस सुपरस्टार को जिंदगी भर ये मलाल रहा कि वो इतनी शानदार और कल्ट फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।